आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। देशभक्ति का टैग लगाकर क्या गदर 2 को मेकर्स कामयाब बना सकेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राह स्टूडियोज। मैं अबरा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। 20 साल बाद गदर एक प्रेम कथा की रीम सीक्वल के लिए नई कहानी के साथ आ रही है। गदर एक पीरियड रोमांटिक एक्शन ड्रामा है जिसे अनिल शर्मा ने बंटवारी और भारत पाकिस्तान की पेचीदगी को मसालेदार जायके से बनाया था। गदर 2 की कहानी को पुरानी स्टार कास्ट के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्माताओं की कोशिश है कि सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी को नए सिरे से बॉक्स ऑफिस पर भुनाया जाए। इसी वजह से संभवत है कि पहले पार्ट की लगभग सभी बड़ी स्टार कास्ट को दोहराया जा सकता है। सनी देओल, अमीषा बदेल और उत्कर्ष शर्मा का नाम अनाउंस कर दिया गया है। गदर 2 भी अनिल शर्मा ही बनाने जा रहे हैं। दर्शक एक बार फिर सनी देओल के भारी भरकम संवादों के साथ देशभक्ति की मसालेदार कहानी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि गदर 2 का फॉर्मूला कितना मनोरंजक होगा इस बारे में कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। देशभक्ति का रैपर लगाकर भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी को बॉलीवुड आखिर कितने दिनों तक बेच सकता है? कई दिनों तक बेच सकता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। दोनों देशों के बीच तनातनी भावुक मुद्दा है जो हमेशा दर्शकों को प्रभावित करता है। बावजूद फिल्मों के जरिए भावुकता को भुनाने के लिए कई और चीजें भी जरूरी होती हैं, मसलन अच्छी कहानी, बढ़िया निर्देशन, स्टार कास्ट और प्रोजेक्ट में एक्टर्स टीम का परफॉर्मेंस। अगर भारत पाकिस्तान को लेकर बन रहे किसी प्रोजेक्ट में ये चीजें नहीं है तो उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्ला मच सकता है, टिकट खिड़की पर नतीजे नहीं निकाले जा सकते हैं। इस मूवी की कहानी और स्क्रिप्ट पर डायरेक्टर अनिल काफी वक्त से काम कर रहे थे। उनके राइटर्स की टीम उधेरबुन में जुटी थी कि सीक्वल में हीरो क्या करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी कोशिशों के बाद स्क्रीन प्ले पूरा हुआ और गदर एक प्रेम कथा की तरह ही इस सीक्वल में भी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर बात होगी और हीरो सनी देओल शत्रु देश को थराथर कर देंगे। बोल दर्शकों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।